आयुष 2022 का आगाज आज हो चुका है और आज से इस खंड गांवड़ी गांवड़ी के अंदर जो किसी जमाने में बहुत बड़ा अविकसित इलाका हुआ करता था, हम जब यहां पर आते थे तो खालों के अंदर कच्चे रास्ते थे, ढलान थी, जंगल थे और बहुत मुश्किल परिस्थिति में हम यहां पर आते थे। लेकिन यहां के लोगों की श्रम शक्ति, मेहनत कश और ईमानदारी से काम करने वाले दूर दराज के लोग जो मजदूरी करते थे, छोटा काम करते थे, छोटी नौकरी करते थे, एक घर बन जाए अपना, इस सपने को लेकर किस परिस्थिति में यहां पर रहें, उन परिस्थिति को मैंने आंखों से देखा है। लेकिन आज खंड गांवड़ी गांवड़ी बहुत विकसित हो चुकी है और मुझे खुशी है कि यहां पर अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले और सबसे बड़ी खुशी है कि आयुष 2022 का आगाज होकर यहां के सभी लोग स्वस्थ रहे। इसके लिए डॉक्टर अमित व्यास जी के नेतृत्व में ये सुपर स्पेशलिस्ट कैंप की शुरुआत की, यहां के अध्यक्ष, पूरी टीम, क्योंकि बिना पूरी टीम के सहयोग से कोई भी कार्य का परिणाम नहीं आ सकता। लेकिन मन अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, विचार अच्छा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तन से, मन से, शरीर से, जब तक व्यक्ति कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और स्वस्थ रखना जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चाहे कितना भी पैसे वाला करोड़ अरबपति हो जाए, स्वस्थ नहीं है तो उसके लिए पैसे बेकार है। और गरीब व्यक्ति के लिए तो बीमार होना अभिशाप है, क्योंकि सारा का सारा धन उस बीमारी में खर्च हो जाता है और उसकी जिंदगी पूरे कर्ज में निकल जाती है। इसलिए आयुष 2022 इसका एक प्रयास है, एक प्रारंभिक जांच है, जिस जांच से आपको कोई बीमारी है या बीमारी होने की संभावना है या कुछ लक्षण है, लक्षणों का आपको जानकारी नहीं है और उसके अभाव के अंदर, बिना जानकारी के अभाव में, बिना जांच कराए के अभाव में आपकी वो बीमारी बढ़ती जा रही है और एक समय ऐसा आता है कि वो बीमारी बढ़ने के बाद उसका इलाज होना संभव नहीं होता। ये तो जीवन में भी होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई भी घटना हो, कोई भी काम हो, अगर धीरे 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 हमने समय पर उसकी समस्या का समाधान नहीं बढ़ा तो क्या होता है कि बड़ा घाव बन जाता है और समस्या विकराल होती है, फिर समस्या का समाधान अपने हाथ में नहीं होता। इसलिए चिकित्सा शिविर इस माध्यम से सबसे प्रारंभिक रूप से आवश्यक है। महिलाओं में कई तरह की बीमारी होती है, जानकारी के अभाव में या चिकित्सा धन के अभाव में कई बार जाने के आलस में सोचता है, चलो घर पर ही छोटा मोटा इलाज करा लेते। लेकिन डॉक्टरों ने कहा नहीं, हम हर घर में दस्तक देंगे। और मेरा आज यही कहना है कि इस गांव में बैठे हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन उसको सारी जांचें करा लेना चाहिए, ताकि उसको अगर थोड़ा बहुत भी कहीं जांच में
अंदेशा लगेगा तो उसका प्रिक्योरमेंट अभी हो जाएगा, इलाज अभी हो जाएगा, तो बीमारी नहीं बढ़ेगी, और बीमारी नहीं बढ़ेगी तो उसको भविष्य में कोई बड़ा ऑपरेशन या बड़ी बीमारी का इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय रहता है। मेरी प्राथमिकता रहती है सबसे पहले व्यक्ति स्वस्थ रहे। दुनिया में सब कर लेगा अगर स्वस्थ रहना चाहिए, और अस्वस्थ रहेगा तो न तो काम में मन लगेगा, घर में भी परेशान रहेगा, और बीमारियों का तो जैसे जैसे बीमारियों का इलाज बेहतर होता जा रहा है, बीमारियां भी नई नई तरह के होने लगी। आप सोच सकते हो कि दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी से भी लोग मर सकते हैं, ऐसा कभी सुना क्या आप? हमने तो 100 साल पहले एक बीमारी की चर्चा करते थे, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी की बात नहीं करते। अब क्या हो सकता है दुनिया के अंदर कोई भी लक्षण कभी भी आ जाए, और कितने हमारे परिवार के लोग उस समय ऑक्सीजन की कमी की वजह से चले। अब इस वायरस का कोई पता है क्या? दुनिया को इस वायरस को केवल एक नहीं कि भारत में हुआ, दुनिया के विकसित देश और दुनिया के वैज्ञानिक शोध के बड़े बड़े देशों के अंदर भी उस वायरस को नहीं पकड़ पाए, और वायरस दुनिया के अंदर कोरोना के रूप में फैल गया। इसलिए जैसे जैसे इलाज वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ता जा रहा है, बीमारियों भी अपने नए रास्ते को ढूंढते जा रही है। मैं तो कई बार सोच के दंग रह जाता हूं कि लोग लिखेंगे उस समय कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही चले गए, ये भी दुनिया में कोई ने पहली बार सुना होगा, और केवल एक देश में नहीं दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर। इसलिए मेरा आपसे मानना है, हमारी चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, आपके घर पे डॉक्टर आएंगे, आपके दरवाजे पर आए। मैं डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि सामान्य रूप से एक बार एक अभियान चलाना चाहिए कि साल में कम से कम एक बार, नहीं तो दो साल में एक बार उसकी सामान्य जांचें करा लेना चाहिए। बड़े आदमी तो ये करने लगे आजकल, तो आदमी छोटा समझता नहीं। हमारी साल भर के अंदर नहीं आते नहीं आएंगे तो भी सुबह आज ब्लड निकाल के ले गया, कोई तबीयत सब ठीक है, लेकिन रेगुलर चेकिंग साल भर में चाहिए। पैरामीटर किसके क्या क्या कम ज्यादा हो रहे हैं, हम भी क्यों नहीं एक अभियान बनाए इस तरीके से हर वार्ड के अंदर कि इनका डेटाबेस तैयार करें, और डेटाबेस करने के बाद जो मरीज यहां पर आए उनकी सबकी जांच हो जाए, उस जांच में से जिनके थोड़े पैरामीटर उधर उधर उनकी थोड़ी जांच जाए, और जिनके ज्यादा पैरामीटर हो रहे हैं उनके रेगुलर, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए हमारी टीम उसको मॉनिटरिंग में रखे, चाहे कोटा इलाज हो, चाहे जयपुर हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, उस इलाज का निःशुल्क कराने की जिम्मेदारी ले। कितना भी गंभीर बीमार हो, कितना भी पैसा लगता हो, दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति को ठीक करने के लिए दुनिया के अंदर कहीं भी देश में जाना होगा तो भी इलाज कराएंगे, लेकिन हर व्यक्ति स्वस्थ रहे यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे साहब इसका दिल्ली में इलाज होने वाला है, पैसा नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका केवल काम आइडेंटिफाई करना कि इन 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का इलाज जयपुर में होगा, कुछ का मेडिकल कॉलेज में होगा, कुछ का दिल्ली एम्स में होगा। हम हर व्यक्ति की जांच कराएंगे। अपनी जांच के पीछे क्या उद्देश्य है? पहले सबसे गंभीर व्यक्ति को ढूंढना और उसका इलाज कराना, क्योंकि यहां पर अगर कैंसर का इलाज नहीं है तो जयपुर महात्मा गांधी में कराएंगे, दिल्ली कराएंगे, जहां भी हो सकता है वहां इलाज कराएंगे। धन का अभाव इलाज में ना आए, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, यही आज का आगाज है, और यह 2022 पूरे वर्ष चलेगा, हर वार्ड में चलेगा। हर वार्ड में चलने के बाद सबका डेटा बेस कंप्लाई होगा, आपका पैरामीटर पड़ा रहेगा, जब कभी आपको कागज ले तो आपके पास पड़ा रहेगी, इसमें दिखाया था अब मेरा डॉक्टर साहब कैसा इलाज है, वो डॉक्टर आपको मॉनिटरिंग करेगा,
चलता फिरता मोबाइल चिकित्सालय भी घूमता रहेगा जिसमें 27 तरह की जांचें होती है। मेरा सभी डॉक्टर्स का विशेष रूप से यहाँ, चाहे डॉक्टर अमिता व्यास हो, डॉक्टर रक्षा शर्मा हो, भजन भागवानी, गौरव जैन, गिरीश भार्गव, डॉक्टर पूनम व्यास, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता, सिंबल जी शर्मा, निशा मीना, चंदन सेनी जी, सौरभ मेहता, सुनील संगी, संजीव कुमार, सुनीता जांगीर, सुनीता योगी, ये तो नेता है, आर के मीणा, महावीर, डॉक्टर सुशील, गोविंद सिंगल, एक बड़ी टीम आपकी यहाँ पर आई है, सब विशेषज्ञ की टीम आप आई। मेरा आपसे आग्रह है भवन सिंह जी, सब कार्यकर्ताओं को लगाओ, जैसे वोट निकालने जाते हो ना, वोट अपने अपने स्वार्थ के लिए लाते हैं, अपन को जीतने के लाते हैं, इससे ज्यादा अपना परमात्मा के लिए जाओगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं लोग आए थे, घर घर आए थे और ये केवल वोट के लिए नहीं आते, ये हमें स्वस्थ रखने के लिए आते हैं। ये पूरी टीम, इनका सहयोग नहीं कर रहे हो, हमें हमारी जनता को स्वस्थ रखना है, इनका नहीं, ये तो अपने लिए आए परमात्मा के लिए। हम जनता के हर घर में दस्तक देंगे, हर व्यक्ति की जांच कराएंगे और मेरा डॉक्टर साहब आपसे आग्रह है कि इसको पूरा पूरा कंप्यूटराइज डिटैच कर लो और उसमें से जो आइडेंटिफाई हो, जिसका फर्दर इलाज करना हो उसकी लिस्ट बना लो। न्याय इलाज हो सकता है कोटा में, ठीक है, जयपुर में होता तो हमें दे देना, दिल्ली में होगा तो हमें देंगे, हम यहाँ से इनको लेके जाएंगे, दिल्ली में अपने घर पे ठहराएंगे, इलाज करा के स्वस्थ करके वापस कोटा भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।